नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक बार फिर से आमने सामने होंगी। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें इस साल ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 विश्व कप में भिड़ती नजर आएंगी, जिसकी तारीख का ऐलान हो गया है। दरअसल ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, ऐसे में अगला महामुकाबला उसके ही घर पर हो रहा होगा। ICC के शेड्यूल के मुताबिक T20 विश्व कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। सुपर 12 राउंड के मुकाबले 22 अक्टूबर से खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच से होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पाकिस्तान के अलावा भारत 27 अक्टूबर को सिडनी में ग्रुप ए रनर अप के साथ भिड़ेगा। 30 अक्टूबर को पर्थ में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 2 नवंबर को एडिलेड में मैच खेला जाएगा। 6 नवंबर को भारत अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा, जो ग्रुप बी विनर के साथ मेलबर्न में खेला जाएगा। जब दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान मेलबर्न के मैदान पर आमने सामने होंगी। भारत जब इस साल के T20 वर्ल्ड कप में दो दो हाथ करने मैदान में उतरेगा, तो उसके जेहन में T20 विश्व कप 2021 की हार जरूर होगी। आपको बता दें कि विश्व कप में पहली बार बाजी पलटते हुए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहली जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया इस हार का बदला लेना जरूर चाहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।